तो ये बेसिक एक आज का जो सेशन हमने रखा है आप सबके लिए, केएस एस्पिरेंट्स के लिए फ्री ऑनलाइन सेशन, वो इसलिए रखा गया है कि आप में से जो भी कैंडिडेट्स फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं या सोच रहे हैं केएस एग्जाम्स के लिए तैयारी करनी है, तो किस तरह आप तैयारी कर सकते हैं, किस तरह पहला स्टेप जो है वो प्री है, किस तरह उसको क्वालिफाइंग करना है। नो डाउट प्री का जो सीसैट एग्जाम है वो आपका एक क्वालिफाइंग नेचर का है, उसमें आपको टॉप नहीं करना है, जस्ट एक क्वालिफाई करना है। तो ऐसा ना हो कि हम सारी मेहनत उसी की कर लें और बाद में उसमें चाहे आप कितना भी स्कोर कर लो तो उसका एट दी एंड कोई बेनिफिट होगा नहीं, राइट? तो फिलहाल आज हम इस पूरे सेशन में दो से तीन चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बोर्ड पे शेयर कर देता हूँ, और एक चीज और, अगर पॉसिबल हुआ, अगर ये सेशन एंड भी हो जाता है, अगर हम कुछ चीजें नहीं भी डिस्कस कर पाए तो इसके बाद एक और सेशन स्टार्ट कर लेंगे फिलहाल उसी टाइम पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट? आप एक बार मुझे बता दीजिए कि व्हाइट बोर्ड आप सभी को विजिबल है, एक बार बता दीजिए। सभी क्वेरीज आपकी लेंगे, मैं अभी आपकी क्वेरीज देख नहीं रहा, तो इसलिए पहले मुझे ना आप ये थोड़ा डिस्कस कर लेने दीजिए आपसे। सबसे पहले आज का जो फ्री वर्कशॉप है, इट इज प्योरली रिगार्डिंग केएस के, जो अभी बहुत सारे बच्चे अभी ज्वाइन भी कर रहे हैं काफी लेट, तो अब मैं वन बाय वन ही ऐड कर पाऊंगा। 2023 का जो केएस का प्रीलिम एग्जाम रहेगा आपका, वो किस तरह से आपको उसकी प्रिपरेशन रखनी है, किस तरह आपको उसका माइंड लेके चलना है, कि किस तरह आपको तैयारी करनी है, ये चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। और दो टॉपिक्स मैंने न्यू ऐड और किए हैं इसमें आपसे डिस्कस करने के लिए। सबसे पहला तो हम करेंगे प्री के सिलेबस के बारे में, राइट? प्री का जो सिलेबस है उसका डिस्कशन, प्लस 2022 और 2021 का एग्जाम लेवल क्या रहा, बहुत इजीली आप के एस सी सेट क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप सबके लिए बुक्स टू रेफर, बुक्स के लिए इतनी क्वेरीज आ रही हैं डेली बेसिस पे, आराम से 30 से 40 बच्चे इसी बारे में क्वेरीज कर रहे हैं, सर बुक्स कौन सी रेफर करें। प्लस तीसरा कि सर अगर हम इन फ्यूचर अगर हम तैयारी शुरू करते हैं, सेल्फ स्टडी अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं उसमें कितना टाइम इसमें लगता है सिलेबस कवर करने में, तो ये सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि बोर्ड पे कोई मार्किंग वगैरह मत करिएगा, ठीक है? तो ये कुछ चीजें आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। अब आप में से जो कैंडिडेट्स हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हैं, जो कि हमने आपके लिए स्पेशली बनाया है, 500 से ज्यादा लोग मेरे ख्याल से उस पर जुड़ चुके हैं, इस नंबर पे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव है। तो एक चीज मैंने आपसे डिस्कस की थी सी सैट के बारे में, वो ये थी कि हमें एक चीज और याद रखिए, हमें कम टाइम में ज्यादा डिस्कशन करनी है। सबसे पहले आपको जो केएस प्रीलिम्स का एग्जाम है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है आपका GS1 और एक है GS2। GS1 में आपका आ जाएगा पूरा GS का पोर्शन, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स और भी बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं, और उसका पेपर वन आ गया और आपका पेपर टू आ गया, राइट? जो जीएस का पेपर टू है, जिसको आप सी सैट मैक्सिमम बच्चे इस नाम से जानते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ये 2000 मतलब आप मान लीजिए कि कुछ साल पहले, आई थिंक 2018 से ही इंट्रोड्यूस किया गया था, इसमें काफी सारे बच्चे फेल हो रहे हैं। अगर हम पिछले साल का डेटा देखें, 32 या 30,000 के अप्रॉक्स लोगों ने अप्लाई किया था के एस एग्जाम के लिए, उसके बाद आउट ऑफ दैट अराउंड 23 से 24 हज़ार लोगों ने अपियर किया एग्जाम में, और प्री में से, प्री जो आपका फर्स्ट स्क्रीनिंग टेस्ट है जिससे मैक्सिमम 90% लोग बाहर हो जाते हैं, तो आपके लास्ट 4,000 बच्चा बचा था जिन्होंने आपका मेंस अभी अपियर करना है, जिसका कल डेटशीट भी आ चुकी है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पहले स्टेप में ही ऑलमोस्ट आपके 19,000 लोग बाहर हो गए। उसका कारण ये नहीं है कि उन्होंने पढ़ा नहीं होगा, उसका कारण ये है कि उन्होंने कुछ मिस्टेक्स की हैं या गाइडेंस की कमी रही, जिससे वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए। मैं अगर अपने करियर सक्सेस के बैचेस की एग्जाम्पल दूं, हमने अभी रिसेंटली JKPSI के जो बैचेस पढ़ाए हैं उसमें काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं दोज हु हैव ऑल्सो क्वालिफाइड के एस प्री। हालांकि अभी हमने के एस का बैच नहीं पढ़ाया था उसमें, बट SI के स्टूडेंट्स को इस लेवल का पढ़ाया था कि दे हैव इवन क्वालिफाइड के एस प्री ऑल्सो 2022। अराउंड 10 to 13 स्टूडेंट्स हैं जो जिनसे हमारी बात हुई कि उनका के SI में भी बड़ा अच्छा स्कोर है, आई एम 100% श्योर वो SI भी क्वालिफाई करें, राइट? तो ओवरऑल अगर देखा जाए सी सैट के टॉपिक्स के बारे में, तो तीन सेक्शंस जो आपकी, मैं इसमें GS की बात नहीं करूंगा, हम सिर्फ उस क्वालिफाइंग पोर्शन की बात करने वाले हैं जिस वजह से बच्चों का ये एग्जाम किसी कारण से क्वालिफाई नहीं हुआ। हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स पढ़ने आ रहे हैं स्पेशली के एस के लिए जो 2016
जब केएस का सी सेट नहीं होता था तब के इंटरव्यू ड्रॉपर है, और अभी उनका लास्ट सी सेट क्वालिफाई नहीं, तो आप इमेजिन कर सकते हो किस तरह का कंपटीशन आजकल है, राइट। मैथ रीजनिंग में अगर हम बात करें, मैथ्स के कोई गिने चुने 8 से 10 टॉपिक्स हमने एनालाइज किया। देखो अब आप बोलो सर सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस के नाम भी लिखवा दो, तो वो टाइम वेस्ट होगा यहाँ पे सेशन में, क्योंकि जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें हम डेली पीडीएफ शेयर करते हैं, तो आपको अगर आप उतना भी पढ़ लो आपका वहीं से सी सैट क्वालिफाई हो जाएगा, राइट। और इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ, राइट। 8 से 10 क्वेश्चंस टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, जिसमें परसेंटेज, रेशो, प्रॉफिट लॉस, उसके अलावा डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन, उसके अलावा आप लेके चलिए एवरेज, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, मेंसुरेशन, बोट एंड स्ट्रीम एटसेट्रा। ये कुछ टॉपिक भी अगर आप कर लो तो आप इजिली अपना मैथ सेक्शन स्कोर कर लोगे। आप जानते हैं 100 क्वेश्चंस आएंगे आपको सी सैट के पेपर 2 के, हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं यानी 200 नंबर, और आपको अराउंड 33% के आसपास क्वालिफाइंग चाहिए, तो आप इजिली मेरे ख्याल से अगर आप थोड़े थोड़े क्वेश्चन दोनों सेक्शन से भी कर लें तो आपका काम हो जाएगा। अभी 2022 के पेपर की अगर मैं बात करूं, पूरे 50 क्वेश्चन देखने को मिले इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के, और बाकी के जो 50 क्वेश्चन थे दे वर फ्रॉम मैथ एंड रीजनिंग। मतलब किसी ने अगर अच्छा पढ़ा भी हो आराम से आपका यहीं से क्वालिफाई हो जाता। और एक चीज याद रखना, आपको सी सैट में टॉप नहीं करना। टॉप नहीं करने का मतलब हमने फुल अटेम्प्ट नहीं इसको करना कि हमारी नेगेटिव मार्किंग हो जाए और हमारा क्वालिफाई ना हो, आपको जस्ट इसको क्वालिफाई करना है, क्योंकि इसकी आपकी फाइनल सिलेक्शन में कोई वेटेज नहीं है। मैथ्स के टॉपिक का पीडीएफ मैं ग्रुप में शेयर करवा चुका हूँ, फिर करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं हम रीजनिंग पे, मैं आपकी क्वेरीज भी लूंगा, काफी सारे बच्चे चैट में मुझे पूछ भी रहे हैं, मैं अभी आपके लिए चैट ऑप्शन खोलूंगा, डॉट वर्क। रीजनिंग के तो अगर मैं कहूँ, रीजनिंग आपको आपके जो सी सैट के बैचेस हैं, आई विल बी टेकिंग दैट पार्ट, इन इनफैक्ट मैथ्स का भी कुछ पोर्शन मैं ही पढ़ाऊंगा। अब देखने वाली बात यह है कि जो आपकी रीजनिंग सेक्शन रही, ब्लड रिलेशन, मैं जो टॉपिक लिखूंगा सिर्फ वही आपने पढ़ के जाने और वही से क्वेश्चन आएगा, ये हमारा एनालिसिस है पिछले 2-3 साल का। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद साइलोगिजम्स, हालांकि इसका एक ही क्वेश्चन आया था लेकिन टॉपिक अगर आ रहा है तो रिपीट भी हो सकता है। सीरीज, मिसिंग सीरीज के 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिले, डायरेक्शन डिस्टेंस के 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले। ये यूट्यूब चैनल पे, करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे भी हमने ये पूरा वीडियो ऑलरेडी अपलोड करा है, आप उसको भी डिटेल में देख सकते हो। प्लस 5-6 टॉपिक्स और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जैसे कि आपका कंडीशनल सीरीज हो गया, उसके अलावा आपका कुछ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फिगर्स, ये क्वेश्चन जरूर इंक्लूड करिएगा, मिरर इमेज, इस तरह के क्वेश्चंस का टॉपिक्स का एक पीडीएफ हम आपसे शेयर कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, वो आप जरूर फॉलो करिएगा और आपका आराम से ये सेक्शंस क्वालिफाई हो जाएंगी। कॉम्प्रिहेंशन का फिर हम अपकमिंग किसी सेशन में डिस्कस करेंगे, अगर आप चाहेंगे और सेशंस ऐसे लाने हैं और फैकल्टीज के साथ मिलना आपको तो वो भी हम करवा देंगे, डोंट वरी, ठीक है। अब जो केएस के रिलेटेड बैचेस करियर सक्सेस में स्टार्ट होंगे, उसमें जो जीएस फैकल्टीज रहेंगी, कुछ आपके इस साल के इंटरव्यू ड्रॉपर्स रहेंगे, कुछ आपके वो कैंडिडेट्स जो 2-3 बार मेंस दे चुके हैं या इंटरव्यू ड्रॉप कर चुके हैं, राइट। तो जीएस का जो पोर्शन है, काफी सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर किस सब्जेक्ट को पढ़ने में कितना टाइम लगता है, अब ये किसी किताब में लिखा नहीं है, कुछ लोग 3 साल बाद क्वालिफाई करते हैं, कुछ लोग 1 साल में कर लेते हैं, तो हर एक स्टूडेंट का पढ़ने का तरीका अलग है। अब मैंने आपके लिए दो यहाँ पे फाइल्स शेयर करनी है, मैंने निकाल के भी रखी थी, जस्ट अ सेकेंड। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि बुक्स कौन सी रेफर की जाए, राइट, या पहले वो डिस्कस कर लेते हैं बुक्स का, चलो मैं आपको शेयर भी कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। पहले आपसे हम शेयर करेंगे अभी कि जो आपका सिलेबस है, अगर हम कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें किस तरह हम इसको कवर कर सकते हैं, मैंने एक टेंटेटिव आप लोगों के लिए बनवाया है, अब उस पे नजर लगाते हैं एक बार, ये देखिए, जस्ट अ सेकंड। राइट राइट, ये वाला शायद, हाँ चलिए देखिए, पहले मुझे एक बार चैट ऑप्शन में आप आ जाइए, मुझे बताइए कि आपको ये दिख रहा है जो मैंने आपके सामने स्क्रीन पे शेयर किया है, जल्दी से बताइएगा, या जूम करने की जरूरत है, जल्दी बताइए, सभी सभी चैट ऑप्शन में आ जाइए गाइस। यस, इस काफी बच्चों का यस आया, इसका मतलब दिख रहा होगा, राइट। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो यहाँ पे आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे हिस्ट्री सेक्शन, ये हमने एक्सपर्ट्स जो प्री मेंस ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं काफी बार, या कभी इंटरव्यू से ड्रॉप हो रहे हैं किसी कारण से, राइट, आप केएस एस्पिरेंट्स हैं तो जान सकते हैं। मैंने जब उनसे हिस्ट्री के बारे में पूछा कि मैंने आज स्टूडेंट्स के साथ इसको डिस्कस करना है, तो
हिस्ट्री सेक्शन जो है वो आपकी एंशियंट मिडीवल कम से कम 75 से 80 घंटा, यानी कि मोटा मोटा आप लेके चलो अगर एक दिन में 2 घंटे भी आप पढ़ो तो इसको 2 महीने लगेंगे कम से कम कवर करने में। मॉडर्न हिस्ट्री की जब हम बात करें तो इसको भी एवरेज उतना टाइम ही लगेगा, लेकिन इसमें याद रखिएगा जो आप में से बाकी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं बच्चे वो सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री मेन मेन पढ़ के जाते हैं, लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस भी आपको इसमें डालना है, प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री 30 to 35 hours, यानी कि 1-1.5 महीना इसमें भी जाएगा आराम से। अब अगर हम चले आगे नेक्स्ट जो इसमें और जो आपसे मुझे शेयर करना है वो है ज्योग्राफी, क्योंकि मैं सब सब्जेक्ट्स, आज का सेशन बेशक छोटा होगा कम टाइम की कमी की वजह से, लेकिन आपके लिए बेनिफिशियल बहुत रहेगा, राइट। चलिए आप देखिए यहाँ पे ज्योग्राफी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री ये दो कंपोनेंट्स काफी लेंथी हैं, लेंथी मतलब इसे 4 4 5 5 महीने लगेंगे आपको पढ़ने में। फिजिकल ज्योग्राफी आपकी 40 to 45 आवर्स, 30 to 30, ये टेंटेटिव है, हो सकता है किसी को 60 घंटे, मतलब रोज का 2 घंटे भी पढ़ो तो 2 महीने आपके गए नहीं गए, राइट, या 1 महीना आपका नहीं गए नहीं गया। वर्ल्ड ज्योग्राफी आपकी 25 to 30 आवर्स और ह्यूमन एंड इकोनॉमिक आपकी 20 से 25 घंटे की। आफ्टर दैट अगर हम आगे चले, इसमें बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, बाकी कुछ सब्जेक्ट्स आपके सिलेबस में ऐसे हैं जो आप 1 महीने में भी निपटा सकते हो, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपके 3 से 4 महीने भी ले सकते हैं। मैं कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ या सेल्फ स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा भी आपको ठीक लगे, राइट। तो ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करती है कि अगर किसी ने अच्छे से तैयारी करनी हो, राइट, प्रॉपर गाइडेंस के साथ चलना हो, तो आप जानते हैं कि प्रिपरेशन और गाइडेंस इसमें बहुत जरूरी है। पॉलिटी पॉलिटी सेक्शन जो है आपकी इसमें कम से कम भी मंथ की अगर बात करें तो 2 से 3 महीने, अगर क्योंकि इसको डिटेल में पढ़ना है आपको तो इतना टाइम इसमें आपको चाहिए, प्लस गवर्नेंस का भी पार्ट आएगा वो मैं बाद में बताता हूँ। इकोनॉमी इकोनॉमी आप कम से कम 1.5 से 2 महीने, 1 से 2 महीने आप लेके चलो, वो डिपेंड करता है, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको टाइम ऑब्वियसली ज्यादा लगेगा, राइट। फिर आ जाता है आपका इकोनॉमी इन्वायरमेंट इकोलॉजी डिजास्टर मैनेजमेंट, तो ये आपका चलेगा अराउंड 50 to 55 आवर्स का, क्योंकि हमें जैसे मान लो आपने कोई चीज स्टार्ट करनी है, आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, आपके माइंड में होना चाहिए ना कि मुझे इसको इतनी देर में कंप्लीट करना है या इतना टाइम इसको चाहिए, तो एक टेंटेटिव टाइम जो है ना वो मैं आपसे डिस्कस करूँ। जैसे मान लो अगर आपको रीजनिंग पढ़नी है वो भी नीचे आएगा, हो सकता है कोई बच्चा 30 घंटे में पूरी रीजनिंग पढ़ ले, हो सकता है किसी को 50 घंटे लगे, राइट। ये सिर्फ हम सिलेबस कवर करने की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि इसमें आंसर राइटिंग भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टाइम भी आप देख सकते हो 40 50 आवर्स, एथिक्स इंटेग्रिटी एप्टीट्यूड 50 to 60 आवर्स का टाइम, बेसिक टाइमिंग ये आपको मैं बता रहा हूँ। IR इंटरनेशनल रिलेशन आप 1 मंथ में इजिली निपटा सकते हो, ठीक है। इंटरनेशनल सिक्योरिटी भी आपका इतना ही टाइम लेगा, कोई ज्यादा टाइम नहीं लेगा। उसके बाद आ जाता है आपका इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी का जो पार्ट है वो आपका रहेगा अराउंड 30 to 40 आवर्स का, एंड आफ्टर दैट बाकी के जो कंपोनेंट्स नीचे आप देखोगे अभी लाइक आर्ट एंड कल्चर एंड ऑल, इसके बाद बात करते हैं जस्ट से क्या। उसके बाद आपका इंडियन सोसाइटी 30 to 40 आवर्स, एंड सी सैट जो कि जिसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जो आपका प्री एग्जाम है, मैथ्स रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके सामने, राइट। बट ज्यादा प्रैक्टिस इसी में आपको करनी है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं तो आपका ये चीजें न्यू होंगी, और आप अगर 3 4 साल पहले KS का पेपर देते थे तो सी सैट ये वाला नहीं था, ठीक है। हाँ, नॉर्मली बच्चे सोचते हैं कि हम पहले प्री की तैयारी करें या मेंस की, तो अगर हम GS पढ़ रहे हैं तो आपको GS मेंस के लिए ही फोकस करके पढ़ना है। बस कुछ बच्चों का रहता है कि नहीं सर पहले हम प्री की तैयारी करेंगे, हम अगले साल अटेम्प्ट देंगे, तो उसके लिए अगर वो टारगेट बैच ज्वाइन करना चाहे, टारगेट प्रिपरेशन करना चाहे, उस केस में फिर आप प्री का अलग से बैच ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज GS का जो पार्ट है मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि GS जब आप पढ़ रहे हैं वो ओवरऑल ही पढ़नी है आपने मेंस के लिए ही, उसमें प्री का GS वैसे ही कवर हो जाएगा। लेकिन जो CSAT का पोर्शन है अब वो आपको देखना है, अगर आप उस पूरे पैकेज में आते हो या किस तरह तैयारी करते हो वो आपके ऊपर है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर भी 35 to 45 आवर्स का। अब मैं 2 मिनट के लिए आपको चैट ऑप्शन में अलाउ करता हूँ, अब आप एक बार मुझे बताइए कि जो चीजें मैंने आपसे डिस्कस की इसमें अगर आपकी कोई क्वेरी है तो बताइए, क्योंकि इसके बाद हम शेयर करेंगे विच बुक्स टू रेफर, जो कि बुक्स आपकी प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा रहेगा। जल्दी से चैट सेक्शन में आ जाइए।
ऑप्शनल ऑप्शनल की बात फिलहाल इसमें हम नहीं कर रहे इस वीडियो में, क्योंकि मैं चाहता हूं कि 2 से 3 फैकल्टी मेंबर्स आपसे सिर्फ ऑप्शनल की ही बात करें। ऑप्शनल पार्ट मैंने इसमें कवर नहीं करना, ठीक है? ऑप्शनल हम इसमें डिस्कस नहीं कर रहे। एक फैकल्टी है हमारे अभी, वो उर्दू ऑप्शनल भी ला रहे हैं बहुत ही कम फीस में, बहुत जबरदस्त तरीके से। माधव जी इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, भाई साहब इंटरव्यू की बात नहीं हम कर रहे हैं, ये एक डिस्कशन है जनरल कि किसी ने पहली बार तैयारी शुरू करनी है उसके लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन जरूरी है। ऑप्शनल पे 100% अगला सेशन ऑप्शनल पे रखेंगे, डोंट वरी। और ये फ्री सेशन रहेंगे, ये कोई भी ज्वाइन कर सकता है, इसमें कोई टेंशन नहीं, ठीक है? अब आप में से मुझे एक चैट सेक्शन में ये बताओ कि आप में से फर्स्ट टाइम तैयारी कौन कर रहा है, पहली बार किसने सोचा है कि क्यों ना इस बार के एस को मतलब अचीव किया जाए, क्यों ना के एस का एग्जाम क्वालिफाई किया जाए। साबिया जी कह रहे हैं टाइम टेबल कैसे बनाए। साबिया जी देखो, मैंने आपको एक बेसिक तरीका बता दिया कि कितना टाइम आपको एक सिलेबस, एक बुक को या जो भी आपका कंटेंट है उसको देना है। मेहरुन्निसा, परवीन, काफी सारे बच्चे मैक्सिमम फर्स्ट टाइमर ही, आई नो, क्योंकि जिसने पहले दिए हैं पेपर उसको जरूरत नहीं है सेशन की, ठीक है? ओके, अब बात करते हैं, राइट राइट, मैंने देख लिया। अब बात करते हैं कि सर हमें बुक्स कौन सी लेनी चाहिए, है ना? ये एक आप लोगों का बड़ा ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि जूम का सेशन भी आई थिंक जल्दी ही ओवर हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि कम टाइम में हम ज्यादा बातें कर लें, ठीक है? जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ये रहा। ओके, अब आप बताइए, आप सभी को क्लियरली विजिबल है ये जो हम बुक्स की, मैं चैट ऑप्शन साथ में ही खोल रहा हूँ, मैं चैट साथ में ही ओपन कर रहा हूँ ताकि आपका बीच में कोई क्वेश्चन आए तो मैं उसको देख लूँ, ठीक है? चलिए, जस्ट अ सेकेंड। अगर आप थोड़ी शेर व शायरी सुनते हैं तो एक आप देखते होंगे आजकल रील्स में या वीडियोस में बड़ा फेमस है ना, एक बार कि एक आप शेर बोल रहे हैं जो भी है, मुझे इसका ज्यादा आइडिया नहीं है, कि सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो। तो ये केएस के एग्जाम का सफर भी कुछ ऐसा ही है। नॉर्मली 1-2 साल एवरेज एक रिक्रूटमेंट आपका टाइम ले जाती है, प्री का रिजल्ट आने में, पेपर लेने में, सिलेक्शन में, तो बहुत लंबा टाइम जाता है ना? तो ये उसी तरह से कुछ है। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं बुक्स के बारे में। तो आप में से जो भी कैंडिडेट्स बुक्स में इंटरेस्टेड थे, तो भाई साहब ये मैंने आज डिस्कस नहीं करना था, मैंने आज सिर्फ ये डिस्कस करना था सी सैट वगैरह के बारे में। लेकिन अब आपके लिए स्पेशली मैंने 2 चीजें ऐड की, एक की मैंने बुक्स का कंटेंट और एक हमने किया जो आपका ये रहा, क्या बोलते हैं इसको, सिलेबस के ड्यूरेशन के बारे में, राइट? अब ये जो बुक्स का जो मैं आपके सामने लाया हूँ, ये डिपेंड करता है किसी बच्चे ने कौन सी पढ़ी है कौन सी नहीं। ये जनरली जो लोग इंटरव्यू अपेयर कर चुके हैं केएस का, उसमें से कुछ क्वालिफाइड भी हैं, कुछ लोगों से आफ्टर ए लॉट ऑफ डिस्कशन ये हम आपके लिए ला रहे हैं, ठीक है जी? आप देख सकते हो। हिस्ट्री की बात करें, एंशियंट आर एस शर्मा एनसीआरटी, मिडिवल सतीश चंद्रा एनसीआरटी, मॉडर्न, ये इसका पीडीएफ भी देंगे आपको, डोंट वरी, मॉडर्न बिपिन चंद्रा प्लस स्पेक्ट्रम, ये तो आपने नाम सुना ही होगा, वर्ल्ड एनसी, अच्छा ऑडियो नहीं आ रही, ऑडियो आ रही है अभी, क्लियर होगी ऑडियो। तो हिस्ट्री के बारे में बुक्स मैंने आपके सामने यहाँ पे मेंशन कर दी है। आफ्टर दैट आ जाते हैं ज्योग्राफी पे, राइट? तो ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं, आप सभी लोग में कुछ बच्चे हो सकता है एज ए ऑप्शनल ज्योग्राफी को रखें, है ना? जो भी ज्योग्राफी आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा भी है, अगर फिजिकल ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी 11th 12th और जी सी लियोंग की बुक, इंडियन एनसीईआरटी इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी एटलस, ऑक्सफर्ड स्टूडेंट, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक एनसीईआरटी। पॉलिटी की अगर हम बात करें, बेसिक एनसीईआरटी तो आपको चाहिए ही, ये आपका एक तो कंसेप्ट आसान भाषा में कवर कर देती है, प्लस लक्ष्मी का, तो ये एक आप कह सकते हैं कि गोल्डन बुक मानी जाती है फॉर पॉलिटी। एनसीआरटी फॉर इकोनॉमी 11th एंड 12th, तो इकोनॉमी का कंटेंट आप 1-1.5 महीने में कवर कर सकते हैं, लेकिन अच्छे से समझ के, ये नहीं कि आपको रट्टा मारना है, इस तरह कंसेप्ट क्लियर करके, और आंसर राइटिंग भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आप जानते ही हैं। नेक्स्ट, एथिक्स इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के लिए लेक्सिकॉन, ईवीएस इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी, शंकर आईएएस। अब सभी जानते हैं कि जब भी कोई बच्चा किसी एग्जाम की तैयारी करता है तो अलग अलग सोर्सेज वगैरह सभी रेफर करते हैं, तो एक ऑनेस्ट बुक्स लिस्ट जो आपके लिए होनी चाहिए फ्रॉम वन ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स एज वेल एज दो है दोज हु हैव अपीयर्ड इन इंटरव्यू, वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, राइट? सी सैट अरिहंत की बुक का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, बट आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं, ये याद रखिएगा। बुक से आप एक हद तक क्वेश्चन निकाल सकते हो, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट आए तो उसके लिए आपके कंसेप्ट क्लियर बड़े जरूरी है, जल्दी अगर आपने निकालना हो, राइट?
2022 का जो केएस का प्री है, राइट, ये एग्जाम ऐसा था कि जिसमें ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में भी आपको थोड़ा सोचना पड़े, मतलब बैंकिंग के लेवल से भी एक स्टेप ऊपर क्वेश्चन डाले थे। तो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें गाइडेंस होना बड़ा जरूरी है। आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनसीईआरटी 9th 10th, और मुझे लगता नहीं है मुझे बताने की जरूरत है, ऑल्सो न्यूज़पेपर्स डेली बेसिस पे करंट अफेयर के, राइट। ओके, कुछ क्वेश्चंस क्वेरीज बच्चे पूछ रहे हैं। सर हिस्ट्री की क्लास के लिए एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी तो आपको चाहिए चाहिए भाई साहब। रोहिणी पूछ रहे हैं हमें स्टडी कितने आवर्स करनी चाहिए, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ थोड़ी देर पहले। ओके, इसके अलावा आपकी कोई क्वेरीज हैं तो बताइए जल्दी से। साबिया जी क्या पूछ रहे हैं बताइए, मैं एक बार दोबारा शेयर कर देता हूँ आपसे बुक्स का, जस्ट मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। लीजिए, एनसीईआरटी हिस्ट्री के लिए ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है, आप में से किसी ने पूछा था अभी, राइट। तो हमारा कोई 10 मिनट्स का टाइम बचा है इस सेशन का, 30 मिनट्स हो चुके हैं। तो महर जी का, महर जी आपका ना पॉइंट में नोट कर लेता हूँ जो आपने मुझे पूछा अभी, सोशियोलॉजी ऑप्शनल के बारे में, राइट, जस्ट ए सेकंड। अब अपकमिंग सेशन में देखो, ये आज हमारा बेसिक सेशन था, राइट। तो बेसिक सेशन के अलावा अब अगली बार जो आपको क्वेरीज आपकी हैं वो कौन कौन सी रहेंगी वो मैं देख लेता हूँ। हाँ, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर ऑनलाइन कोर्स लेना ठीक रहेगा या ऑफलाइन, जस्ट सेकेंड, मैं एक बोर्ड शेयर कर लेता हूँ ताकि उस पर हमारे चीजें मैक्सिमम हम कवर कर पाए, ठीक है। चलिए, जैसे अभी एक क्वेश्चन आया कि सर हमें ऑनलाइन बैच लेना पड़ेगा या नहीं, देखो हर एक चीज के दो पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन की कैसे जाए, देखो बैंक एसएससी जेके एसएसबी के जो एग्जाम्स है, करियर सक्सेस 2016 से इन एग्जाम्स की कोचिंग दे रहे हैं, इनफैक्ट सीसैट आल्सो, है ना। तो अब ये मान के चलिए कि ये जो एग्जाम्स है इसका जो तैयारी का तरीका है वो है कि शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब किसी ने 6-7 महीने तैयारी की हो तो 1-1.5 साल में बंदा एग्जाम क्वालिफाई कर लेता। लेकिन आप में से बड़े बच्चे होंगे ऐसे, लेकिन केएस की जब प्रिपरेशन आप करते हो तो यहाँ जो सिलेबस है वो थोड़ा सा आप मान के चलिए कि एग्जॉस्टिव है। जब आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, आप उसको सिर्फ पढ़ने के तरीके से नहीं सोच रहे, आप उसको जब पढ़ रहे हैं अपने कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, आपको मेंस में उसको एज ए आंसर राइटिंग लेके चलना है, आपके पास उसके बारे में कितनी इंफॉर्मेशन है, राइट। अब ये प्रीवियस एग्जाम जो रहते हैं आपके वो काफी हेल्प करते हैं आपको सोचने में कि किस तरह का कितना डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब बात करते हैं जब इसकी प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन में आप जानते हैं कि लिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं, वो आपको नोटिफिकेशन में क्लियर हो जाएगा जनरल कैटेगरी की कितने, कैटेगरी वालों के कितने, है ना। सबसे पहले एक चीज आ जाती है कि आपको पहले अपना माइंडसेट डेवलप करना है। देखो अगर हर कोई सेल्फ स्टडी से या फिर हर कोई अच्छी तैयारी से अगर एग्जाम दे, तो अगर आप देखें 23,000 लोग जिन्होंने लास्ट टाइम अपीयर किया है पेपर में 2022 में केएस में, तो ऐसा क्या रीजन है कि सिर्फ 4,000 लोग ही क्वालिफाई कर पाए, है ना। तो उसका एक बेसिक सा रीजन है कि आप अपना जो 100% एफर्ट है, हम बड़ी बार क्या करते हैं, हम भी देखते हैं जैसे बच्चे कोचिंग करते हैं, कोई भी मान लो 10 बच्चे कोचिंग कर रहे हैं, उसमें से काफी लोग ऐसे रहते हैं जिनकी प्रायोरिटी नहीं होती कि हाँ भाई मुझे इसी साल क्वालिफाई करना है। तो अगर आप माइंडसेट अपना ऐसा डेवलप करो कि नहीं मुझे करना ही करना है, जब तक होगा नहीं तब तक हम रुकेंगे नहीं, तो ही आपके अंदर कुछ पॉजिटिव मोटिवेशन आएगी जिससे आप पूरा ध्यान से पढ़ाई करेंगे, राइट। अब जो इसकी कोचिंग प्रोग्राम की बात करूं मैं, कुछ बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन में कंफ्यूज है, राइट। अब जो हमारी फैकल्टीज है जो आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, वी हैव ऑल द फैकल्टीज, ठीक है, 3-4 ऑप्शनल के ऑप्शन भी देंगे आपको। अब इसमें रहेगा क्या, और जो इसकी नॉर्मल फी रहती है, अब मानते हैं 1 लाख प्लस, तो इसका एक बेसिक फी स्ट्रक्चर है, आप कहीं भी चले जाएं तो हमारे जो ब्रैकेट रहेगा इसमें काफी डिस्काउंटेड आपके लिए रहेगा, ऑलमोस्ट इसमें 30% तक का डिस्काउंट स्टूडेंट्स का रहेगा। एक बेसिक स्कॉलरशिप टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे, उसके बेसिक स्कॉलरशिप मतलब एक बेसिक क्वेश्चन आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से जो जो बच्चे ऑब्जेक्टिव टाइप में अच्छा आंसर करेंगे उनके लिए काफी इसमें स्कॉलरशिप डिस्काउंट हम देंगे, राइट। अब बात करते हैं कोचिंग प्रोग्राम की, अगर आप इसका फुल कोर्स लेते हो, फुल कोर्स का मतलब आ जाएगा कि आपका जीएस कवर होगा पूरा, ठीक है, उसमें केएस का प्री भी आ जाएगा, प्री प्लस प्री का जीएस, राइट, और सीसैट ऑब्वियसली मैथ रीजनिंग एंड इंग्लिश, ठीक है, और अलग से आपका ऑप्शनल का रहेगा। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है आपकी पूरी कोचिंग का, ठीक है। और जो लोग ऑफलाइन ज्वाइन करते हैं
उन लोगों को मैं बता दूं कि आप सबका जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा अर्ली मॉर्निंग, राइट। ये कोचिंग इस तरह नहीं है कि आप अब जो फर्स्ट टाइमर है कि हमने 3 घंटे पढ़ा, हम बस हो गई हमारी, बस हम चले घर, तो वो चीज ये नहीं है। इसमें पूरा पूरा दिन आपको लगाना है ताकि जल्दी आपका सिलेक्शन हो। अर्ली मॉर्निंग लाइक 7:30 ऑनवर्ड्स, 7:30-8 बजे के आसपास आपके बैचेस की टाइमिंग रहेगी, 3 से 4 घंटे डेली। तो 3 to 4 आवर्स का जो आपका बैच का स्लॉट रहेगा उसमें आप 3 से 4 घंटे लेके चलिए, 2 आवर्स 1 कंपोनेंट, राइट। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे, 2 घंटे आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर का डिस्कशन रहेगा, ठीक है, सो ऑन इस तरह से। तो ये 1 ईयर पैकेज होते हैं, आप जानते हैं पूरा साल इसकी कोचिंग चलेगी, ठीक है। और ये रोटेट भी होता रहेगा, जैसे किसी का हिस्ट्री खत्म हो गया, कल को दोबारा पढ़ना चाहता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, उसके कोई चार्जेस नहीं रहते, ठीक है। तो व्हाट वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट राइट फ्रॉम, अब मान के चलिए कि 60-70 की रेंज में हम इसको पढ़ाएंगे। वो इसलिए क्योंकि हर कोई बच्चा, एवरी स्टूडेंट कैन अफोर्ड, राइट। और सबसे बड़ी जरूरत गाइडेंस, टीचर्स विल बी अवेलेबल 24/7। वो किस तरह से रहेगा वो हम जब आप आएंगे विजिट करेंगे तो वी विल श्योरली डिस्कस। अब बात करते हैं सर इसका ऑनलाइन कैसे पढ़े। देखिए गाइस, सिंपल सी बात है, अगर आप मुझे पूछो सर ऑनलाइन किसको पढ़ना चाहिए, राइट, अगर कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं कि आप यहाँ नहीं आ सकते पढ़ने करियर सक्सेस में, एक्सट्रीम सिचुएशन एक्सट्रीम कंडीशन है, उस केस में आप ऑनलाइन लीजिएगा तो ऑनलाइन में थोड़ा सा आपका डिस्काउंटेड रहेगा, ठीक है। ऑनलाइन का पैकेज अभी हम अनाउंस करेंगे कुछ दिन बाद, फिलहाल मैंने ऑफलाइन का आपको एक आइडिया दे दिया, ठीक है। प्लस अगर कोई सी सैट अलग से पढ़ना चाहे, राइट, तो वो भी एक ऑप्शन है, सेपरेटली पढ़ सकते हैं। तो अब ये था एक ओवरऑल सिनेरियो। वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट बैचेस फ्रॉम आज के डे 20th of Feb, राइट। सी सैट के तो हमारे ऑलरेडी बैचेस चल रहे हैं, ठीक है। तो 20th Feb से वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट, जिसमें 5 से 6 टीचर्स की टीम आपको पढ़ाएगी, जिसमें कुछ फैकल्टीज हम दिल्ली से भी ला रहे हैं स्पेशली आपके लिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस एक चीज आपने याद रखनी है, कोई भी चीज हार्डवर्क के बिना नहीं मिलती, तो तैयार हो जाओ। मार्च अप्रैल में मुझे लगता है आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, काफी वैकेंसीज नोटिफाई भी हो चुकी हैं। ओके, तो अब आ जाते हैं चैट सेक्शन में। नातिया जी पूछे सर फोकस्ड कैसे रहे। फोकस आपको सिर्फ आपका गोल ही दे सकता है। अगर आपका गोल है मान लेते हैं आईफोन खरीदना, और आपके घर वाले बोलते हैं कि 10th क्लास में परसेंटेज आप 90 लाओगे तो आप लोग आईफोन लेके देंगे, तो 90% लाना आपका गोल नहीं था बेसिकली, आपका गोल था आईफोन। ऐसे ही आपका केएस ऑफिसर बनने का गोल है, राइट। अब आपको डेली यही सोचना है कि जो अगर आप केपीएस सेलेक्ट होते हैं, राइट, तो जो यूनिफॉर्म आप डालेंगे, जो पावर आपको मिलता है, तो उस चीज को डेली आप यूज करिए। अपने फोटो, आप कोई एक फोटो किसी, आप मान के चलिए कि मोटिवेशनल टाइप अगर आप लगाना चाहते हैं रूम में लगाइए कि ये लोग सिलेक्ट हुए हैं टॉपर की, या जो भी है एक्स वाई जेड, जिससे आपको मोटिवेशन मिले। तो आप डेली जब उसको देखेंगे आप भी वैसे ही बातें करें। अब जो आप में से लोग पढ़ने आएंगे, अब जब आप देखेंगे आप में से ही 50-60 लोग क्लास में बैठे हैं, डेली एक ही जैसी बातें कर रहे हैं, हाँ कि ऐसे ही हमारा टारगेट है, तो 2-4 दिन में आप भी सेट हो जाएंगे, कोई ये कोई बड़ी बात नहीं, राइट। तो दिस इज वन ऑफ द पॉइंट। अब जो आपके केएस की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, ये हमारा ऑफिस का नंबर है, आप में से जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, ऑलरेडी काफी क्वेरीज आ रही है केएस के रिलेटेड, इस नंबर पे अपना नाम, आपकी क्वालिफिकेशन और आपका लोकेशन, लोकेशन यानी कि एड्रेस आपका कहाँ का है, और अपना कॉलिंग नंबर और व्हाट्सएप नंबर हमारे इस नंबर पे शेयर करिए। दोस्त हु वांट टू जॉइन ऑफलाइन बैचेस, इसमें भी पहले 1-2 दिन आप सबके लिए टीचर्स इंट्रोडक्शन होगा, कैसे वो आपको पढ़ाएंगे, आपके सेशन स्टार्ट करवाएंगे, आफ्टर दैट यू हैव टू ज्वाइन, राइट। तो एक बड़ा बेसिक सा तरीका है ज्वाइन करने का करियर सक्सेस की क्लासेस, इफ यू आर इंटरेस्टेड। तो गाइस लास्ट कुछ मिनट्स मेरे ख्याल से बचे हैं, तो अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो बताइए। चलिए ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा, शैल बी स्टार्ट आंसर राइटिंग एट द बिगनिंग। दानिशमीर जी देखिए, जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे पहले दिन नहीं आप ऐसे लिख सकते, ऐसे राइटिंग आंसर राइटिंग, जब आप फैकल्टीज से मिलेंगे जिन्होंने आपको पढ़ाना है बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस, दे विल गाइड यू, राइट। मैं भी आपको बोलूं हाँ आप शुरू कर दो, आप लिखना शुरू कर दो, दैट इज नॉट द पॉइंट, राइट। सबसे पहले वी आर प्लान, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन पूछा रोहिणी जी ने, रोहित जी ने पूछा कि पहले कौन सा सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे मॉर्निंग में। वी आर गोइंग टू स्टार्ट हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स
कॉन्टेक्ट है इसका, काफी लोग हिस्ट्री एज ए ऑप्शनल भी लेते हैं, राइट। तो हिस्ट्री वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट अलॉन्ग विद ज्योग्राफी, राइट। दो कंपोनेंट आपके चलेंगे और थोड़ा थोड़ा सी सेट भी चलता रहेगा। इसमें संडे को भी क्लासेज होंगी आपकी, राइट। संडे करंट अफेयर डिस्कशन एंड ऑल ये सारी चीज। तो गाइज आई थिंक लास्ट 1 मिनट बचा है, तो इस सेशन में फिलहाल आपके लिए इतना ही हम ला पाए। मुझे लग रहा था कि 1 मिनट नहीं खत्म होगा, बट काफी चीजें हमने डिस्कस कर दी। इस पूरे सेशन का रिकॉर्डेड वर्जन मैं आपको अभी चैट व्हाट्सएप पे शेयर करने वाला हूँ। 9419145317 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो कोई भी क्वेरीज है आप ऑफिस विजिट करना शुरू करिए। सी सैट का नया बैच नेक्स्ट वीक शुरू हो रहा है 9 से 12 बजे मॉर्निंग, ठीक है। तो ये मैं शेयर कर दूंगा आपसे पीडीएफ एंड ऑल। बहुत सारी क्वेरीज अभी भी आपकी हैं, आई एम अवेयर ऑफ दैट, लेकिन टाइम की कमी की वजह से फिलहाल इतना ही। और बहुत सारे सेशन लाएंगे, डॉट वरी। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट।